ये पीपीई किट पहनी महिला जो आप देख रहे हैं, ये कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। दरअसल ये महिला मानसिक रोगी है। ये महिला इस किट को पहनकर शहर के बस स्टैंड और इससे लगे रिहायशी इलाकों में घूम रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। दरअसल ये पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट वो किट है जिसे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए पहनते हैं ताकि वो इस संक्रमण से बच सके। और इस किट को इस्तेमाल करने के बाद यूं ही कहीं पर भी नहीं फेंका जा सकता। इसे डिस्पोज करने के लिए एक प्रक्रिया है ताकि इस किट की वजह से अन्य किसी में भी संक्रमण ना फैले। और अगर इस किट को खुले में फेंका जाता है तो संक्रमण का खतरा इस किट के संपर्क में आए और आसपास के लोगों में बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि इस महिला के पास ये किट आई कहां से, क्योंकि इस महिला को देखकर तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये महिला इसे खरीद नहीं सकती। तो ये किट इस महिला के पास आई कहां से? जब इस महिला से पूछा गया तो सुनिए इसने क्या कहा। ये किट कलेक्टर कलेक्टर मैडम ने दिया है। ये किट नहीं आई, ये मरने का साधन है हमारा। ये किट कलेक्टर कलेक्टर मैडम ने दिया है। ये किट नहीं आई, ये मरने का साधन है हमारा। इस महिला का कहना है कि कलेक्टर मैडम ने किट उसे दिया है और ये किट नहीं मरने का साधन है। वहीं इस मामले को लेकर खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन कलेक्टर मैडम तो किसी मीडिया वाले का फोन तक रिसीव नहीं कर रही। किट पहन के सड़क पे खुलेआम घूम रही है, क्या कहां से मिला? हाँ, वो आप लोगों के वो आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। आगे से ऐसा न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा और अभी हम इसको जांच में ले रहे हैं कि उनके पास वो कैसे पहुंची। पीपी किट है या किसी और के द्वारा पहना गया कोई लिबास? नहीं, वो एक्चुअली वो पहन के या तो उतार दिया गया होगा, किसी ने इधर कहीं गलत जगह पे उतार दिया और वो शायद उनको प्राप्त हो गई और उन्होंने पहना होगा। अभी देखना पड़ेगा एक बार मुझको कि उन्होंने क्या पहना था। संक्रमण का खतरा रहता है इससे? जी, इससे संक्रमण का खतरा रहता है कि नहीं? नहीं बा, वो तो एक बार यदि यूज किया हुआ है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञ खुद कह रहे हैं कि इस किट के खुले में फेंके जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि खंडवा में कोरोना मरीजों की संख्या 50 पहुंच चुकी है और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही इस आंकड़े को और बढ़ा सकती है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।